आप सुन रहे ही प्यार की कश्ती। दोनों लाइब्रेरी में चले आए। वहाँ पुलकित लाइब्रेरी में बुक्स को रो में जमा रहा था और चहक उसके पास चली आई और वहाँ से कुछ बुक्स उठाकर दूसरी रो में रखने लगी। कुणाल ने भी कुछ बुक्स उठाई और उनके ऊपर की तरफ धूल साफ करके उन्हें एडजस्ट करने लगा। पुलकित ने उन दोनों को वहाँ देख कर पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, तेरी हेल्प करने आए हैं, कुणाल ने कहा। मुझे जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। कुणाल पुलकित से कह दो कि ये पनिशमेंट उसे हमारी वजह से मिली है। वो पनिशमेंट हमारी भी है और उस पे पूरा हक बनता है। कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से दोनों के दोनों, पुलकित ने दोनों से बुक्स लेते हुए कहा। चहक ने गुस्से में आकर उसे बुक्स वापस ली और कहा, कुणाल कह दो इससे कि हम किसी का एहसान लेने की आदत नहीं रखते। वैसे भी कुछ लोग ज्यादा आकर दिखा रहे हैं, हमसे बार बार थैंक यू नहीं बोला जाएगा। तुम ये बात मुझे डायरेक्ट भी बोल सकती हो ना? कुणाल कह दो थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे बात करने के लिए मना किया था। ये सुनकर पुलकित को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हाँ तो कुणाल कह दो, अगर मेरी इतनी ही बात मानती है तो यहाँ से चले जाए। अरे भाई, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे, मैं ही चले जाता हूँ यहाँ से, तुम ही करो ये बुक साफ। कुणाल अपनी बुक पुलकित को देकर वहाँ से चला गया। पुलकित और चहक ने एक दूसरे को घूर कर मुँह फेर लिया और लाइब्रेरी में काम करने लगे। थोड़ी देर में लाइब्रेरी के स्टाफ का एक आदमी आया और पुलकित से कहा, आज की तुम्हारी सजा पूरी हुई, पर अभी तो आधा काम बाकी है। नहीं, फिर उस आदमी ने चहक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लड़की ने तुम्हारे हिस्से का आधा काम कर दिया, इसलिए अब तुम जा सकते हो। ठीक है, कहकर पुलकित वहाँ से जाने लगा तो चहक ने एक बुक उठाई और कहा, मेरी प्यारी बुक, अगर किसी को मुझसे थैंक यू बोलना है तो बोल सकता है। ये सुनकर पुलकित पीछे मुड़ा और कहा, चहक की प्यारी किताब, उससे कह दो थैंक यू किस बात का, उसने खुद ही तो कहा था कि इस पनिशमेंट पर उसका हक है। कहकर वो वहाँ से चला गया। ये समझता क्या है अपने आप को, अकड़ू कहीं का, सही नाम रखा है इसका मैंने, एंग्री यंग मैन, चहक ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके बाद चहक क्लास में आ गई। उसने सिर्फ क्लास में कुणाल और पुलकित को देखा तो उसने कुणाल के पास आकर पूछा कि बाकी की सब कहाँ है? अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे सेक्शंस बदल गए हैं, तीनों का दूसरा सेक्शन है। अब ये कब हुआ? आज सुबह। ओह अच्छा। तभी क्लास में मीरा आ गई। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने के बाद उसने कहा कि मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी रिक्वेस्ट से प्रिंसिपल सर तुम्हारी फ्रेशर पार्टी के लिए मान गए हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त है, नो अल्कोहल, मतलब नो अल्कोहल। अगर किसी ने इस रूल को तोड़ा तो उसे कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया जाएगा और तुम्हारी फ्रेशर पार्टी कल है। उसके बाद मीरा क्लास से चली गई। अरे वाह, फ्रेशर पार्टी, अब मजा आएगा, चहक ने खुशी के साथ में कहा। तो तुम आ रही हो ना कल? कुणाल ने पूछा। हाँ ऑफ कोर्स, कॉलेज की पहली पार्टी, और कोई मिस कर सकता है क्या? अरे भाई तू, मैं नहीं आऊंगा कल। क्यों? मेरा मन नहीं है और मुझे घर कुछ काम है। पर भाई, अरे कुणाल, जब किसी को नहीं आना तो फोर्स क्यों करना, रहने दो ना, छोड़ो उसे, हम सब तो होंगे ना। अच्छा मैं चलती हूँ अब प्रशांत जी के पास सिंगिंग सीखने, उन्होंने सुबह बोला था कि उनकी ये फ्री पीरियड है। तो ये कहकर चहक वहाँ से चली गई। चल भाई, हम कैंटीन चलते हैं। नहीं तू जा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देखनी है। ओके ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, ये कहकर कुणाल वहाँ से चला गया। उधर चहक क्लास से निकलती है वैसे उसे प्रशांत सामने आते दिखाई दिया। उसने उसके पास आकर कहा, चले अब? ठीक है चलो। ये कहकर दोनों कॉलेज के ग्राउंड के एक बेंच पर जाकर बैठ गए। हाँ तो मैं तुम्हें सिखाऊं, उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें म्यूजिक के बारे में क्या क्या पता है। मुझे तो कुछ नहीं पता। सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ नहीं पता, लेकिन आप सिखाओगे तो सीख जाऊंगी। ओके तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं संगीत के साथ स्वर के बारे में। तो हमारे संगीत के सात स्वर होते हैं। तभी चहक को पेड़ के पीछे एक परछाई दिखाई दी। चहक उस परछाई को देखने की कोशिश करने लगी। चहक तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा? चहक, चहक, चहक का ध्यान तो उस परछाई पर था। चहक, हाँ प्रशांत जी, सुन रही हूँ मैं। तुम्हारा ध्यान किधर है? वो वहाँ पेड़ के पास कोई है। कहाँ? वो पेड़ के पीछे। प्रशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं नजर आया। कुछ नहीं है वहाँ, ध्यान दो इधर। अच्छा सुनो, हमारे संगीत में सात स्वर होते हैं, सारे गामा पाधानी। आज हम इनसे ही शुरू करेंगे, तो चलो मेरे साथ गाओ। सारे गामा पा धानी सा
नीधा पामा गारिसा, चलो अब तुम गाओ। चहक गाने लगी तभी उसकी नजर दोबारा पेड़ पर गई और वो रुक गई। अब रुक क्यों गई? क्या हुआ? वहाँ कोई है? फिर से वहाँ कोई है? कहते हुए प्रशांत ने गर्दन घुमाई। अरे कोई नहीं है, मुझे लगता है आज तुम्हारा माइंड प्रेजेंट नहीं है, तो हम कल से सीखेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, कहकर प्रशांत वहाँ से चला गया। चहक अपने बेंच से उठी और उस पेड़ के पीछे गई तो वहाँ उसे पुलकित खड़ा दिखाई दिया। उसने उससे पूछा, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, फोन पर बात कर रहा हूँ। पर पूरे कॉलेज में तुम्हें यही जगह मिली फोन पर बात करने के लिए? क्यों, यह जगह तुम्हारी है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? एक मिनट, कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे? क्या तुम पागल हो? मैं क्यों तुम्हें फॉलो करूंगा? मैं सिर्फ यहाँ बात करने आया था, क्योंकि यहाँ ही नेटवर्क आ रहे थे। वैसे तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी ना? हाँ तो अब कौन सी कर रही हूँ? चहक ने बच्चों की तरह मासूम पन में कहा। अच्छा तो ये क्या है? ये तो मैं पेड़ से बात कर रही हूँ। कि पेड़, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो खामखा आंसर दे रहे हो। क्या तुम सच में पागल हो या ऐसे पागल बने का नाटक करती हो? हाँ मैं पागल हूँ, और कुछ? ये कहकर चहक वहां से चली गई। चहक के जाते ही पुलकित खुद से बात करने लगा, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, वैसे मैं यहाँ क्यों आया था? इसे देखने, मुझे क्या हो गया है? पुलकित तू तो इसके जैसे पागल हो गया है, इसे इससे थोड़ा दूर रहो यार। पुलकित ग्राउंड से कैंटीन में चला आया जहाँ उसे सब बैठे मिल गए, पर वहाँ उसे चहक नहीं दिखाई थी। उसको वहाँ न देखकर उसने सबसे पूछा, वो बेदिमाग कहाँ है? ओह चहक, वो प्रशांत के साथ है, कुणाल ने जवाब दिया। अच्छा, पुलकित ने कुछ सोचते हुए कहा। आओ पुलकित, समोसे खाओ हमारे साथ, गिन्नी ने कहा। नहीं तुम सब खाओ, मुझे भूख नहीं है, कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। अरे इससे क्या हुआ, आजकल ये कुछ ज्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रहा? गिन्नी ने कहा। मुझे भी लगता है, खैर उसे छोड़ो और समोसा खाओ, रिया ने कहा। पुलकित जिस कॉरिडोर से निकल रहा था उसी कॉरिडोर में प्रशांत और चहक बात कर रहे थे। उनको वहाँ खड़ा देखकर पुलकित वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। अगर आप घर जा रहे हैं तो क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे, क्योंकि मेरी भी अभी क्लास नहीं है। हाँ लेकिन, जैसे ही प्रशांत कुछ आगे बोल पाता उससे पहले पुलकित ने वहां आकर कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत और चहक ने पुलकित की ओर देखा। मेरा मतलब है कि चहक को घर मैं छोड़ दूंगा, चहक का घर मेरे घर से पहले पड़ता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चहक ने पुलकित को मन ही मन कोसते हुए कहा। अभी आना जरूरी था, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर दिया यार। चहक ने प्रशांत को इम्प्रेस करने की प्लानिंग जो की थी, पर पुलकित ने उसकी सारी प्लानिंग खराब कर दी। ठीक है ना चहक? पर तुम्हें क्लास नहीं लेनी, चहक ने उसे अजीब सी नजर से घूरते हुए कहा। मन ही मन कहा कि पुलकित बोल दो तुम्हें क्लास लेनी है ताकि मैं प्रशांत के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। नहीं मेरी कोई क्लास नहीं है, ये सुनकर चहक ने पुलकित को अजीब सी नजर से देखा। हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो रिया के साथ जाऊंगा, तुमसे मैं यही कहने वाला था अभी, पर इतने में पुलकित ही आ गया। अच्छा चले चहक? पुलकित ने पूछा। चहक के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय पुलकित के साथ जाने के, उसने बुरा समूह बनाकर कहा, ठीक है चलो। वो पुलकित को मन ही मन गालियां दे रही थी। दोनों वहां से निकलकर पार्किंग के पास पहुंचे। क्या जरूरत थी बीच में आकर अपनी टांग अड़ाने की? मैं अच्छा खासा प्रशांत जी के साथ में जाना चाहती थी, पुलकित ने सब जानकर भी अनजान बनते हुए कहा। मैंने क्या किया? तुम तो रहने दो, तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, मैंने क्या क्या सोचा था पर तुमने सब खराब कर दिया। अच्छा मैंने खराब कर दिया? एक तो तुम्हें घर तक फ्री में लिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से मुझे सुना रही हो, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे इस एहसान की, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, वैसे भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, जैसे कल कार से खींच कर निकाल दिया था, क्या पता आज बाइक से ही फेंक दो, कहकर चहक वहाँ से जाने लगी। अरे चहक सुनो, कहाँ जा रही हो? नहीं मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कोई भी बात को, ना ही तुम्हारे साथ उस फर्नीचर पर जाना है, तुम ही जाओ अपनी उस राम प्यारी पर। तुमने मेरी बाइक को फर्नीचर कहा? हाउ डेयर यू? हाँ कहा तो, वैसे भी जैसे तुम फर्नीचर वैसी ही तुम्हारी बाइक फर्नीचर, कहकर चहक वहाँ से आगे बढ़ने लगी। चहक मेरी बात तो सुनो, पर चहक ने पुलकित की एक नहीं सुनी और वहाँ से आगे बढ़ गई। पुलकित ने अपने आप से बट बनाते हुए कहा, ये लड़की
सच में मुझे पागल कर देगी। पागल तो मैं हो गया हूँ, क्या जरूरत थी वहाँ ये कहने की कि मैं इसको घर छोड़ दूंगा। अगर वो प्रशांत छोड़ देता तो क्या हो जाता। अब बोलकर चली गई ना तेरी बाइक को फटीचर। इधर जय को फ्रेशर पार्टी के बारे में पता चला। जय ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अब आएगा मजा। क्यों भाई, ऐसा क्या होगा जो मजा आएगा। उसके एक दोस्त ने पूछा, पार्टी में होगी शराब, जय बोला, पर वो तो मना है ना। और भाई तेरा एक बार रेस्टिगेट होकर मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा होना चाहता है। इस बार रेस्टिगेट मैं नहीं चहक होगी और मेरा बदला पूरा होगा, उसकी वजह से ही तो मैं रेस्टिगेट हुआ था ना। भाई तू कल क्या करने वाला है, बस कल तो कल ही देखना कि मजा आएगा। वही रिया अपने घर पर अलमारी से पेंडेंट को निकालकर बड़े प्यार से देख रही थी। उसे कुणाल ने बर्थडे प्रेजेंट के रूप में जो उसे दिया था। प्रशांत उसके रूम के बाहर से गुजर रहा था, उसकी नजर रिया पर गई तो वो वही रुक गया, उसको देखने लगा। इतना पसंद करती है मेरी बहन उसे, प्रशांत की आवाज सुनकर रिया सहम गई। वह उस पेंडेंट को वापस उसके बॉक्स में रख कर पीछे मुड़कर बोली, भैया आप कब आए। जब मेरी प्यारी बहन उस पेंडेंट को निहार रही थी। अरे भैया वो तो मैं ऐसे ही देख रही थी, अगर तू इतना पसंद करती है तो बोल क्यों नहीं देती। भैया आप कैसी बात कर रहे हो, अभी हम जानते ही कितना एक दूसरे को, हम बस फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, आप तो सब जानते हैं ना। कब तक तू उस बात को लेकर बैठी रहेगी, क्योंकि भैया वह सच है और वह हमेशा मेरे साथ चलेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगी। मेरी बात का मुझे नहीं पता। चल पागल, ऐसी बातें नहीं करते। और बता, कल जा रही है ना फ्रेशर्स पार्टी में। हाँ, और आप भी चल रहे हो ना मेरे साथ। हाँ, तुझे अकेला थोड़ी ना छोड़ूंगा, तेरे साथ जाऊंगा। ठीक है, वैसे आपकी पापा से बात हुई। नहीं, अरे मुझे करनी भी नहीं है, उनको हमेशा करियर की पड़ी रहती है। क्या उन्हें कभी हमारे साथ बैठकर हमसे पूछने की कोशिश करी कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें। तुझे पता है जब मैं स्कूल में था तो सबके पापा आते थे, सिर्फ मेरे पापा थे जो कभी स्कूल नहीं आए। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझ पर उन्होंने अपने सपने सौंप दिए, उन्हें कभी एक पिता का फर्ज नहीं निभाया। इसलिए आप मेरे स्कूल में पापा की जगह आते थे ताकि मुझे बुरा ना लगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कैसा फील होता है जब सबके घर से उनके घर वाले आए और हमारे घर से कोई हमारे साथ ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी वही फील हो जो मैंने किया है, इसलिए तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भैया, और ये दुआ करती हूँ कि आप हर जन्म में मुझे बड़े भैया के रूप में मिले। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।